इस उपन्यास का अगला अध्याय है बाली द्वीप का रामायण। वाकाटक सम्राट प्रवरसेन साहित्य अनुरागी थे। उन्होंने सेतुबंध की रचना की थी। सम्राट हरिसेन ने निर्णय लिया था कि सम्राट प्रवरसेन के नाम पर ही महोत्सव रखा जाए। महोत्सव के आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक सम्राट ने बुलाई। प्रतिवेदक ने बैठक का खाका रखा। सम्राट ने भूमिका रखी। कलिंग प्रवास के दौरान मैंने कलिंग सम्राट खारवेल का अभिलेख पढ़ा था। कितने प्रतिभाशाली सम्राट थे। युद्ध और शांति दोनों में ही अग्रणी। उन्होंने अपने शासनकाल की विशिष्ट उपलब्धियों का वर्णन किया था। इसमें राष्ट्रिकों पर अपनी विजय का वर्णन भी उन्होंने किया है। यद्यपि हमारी अनुश्रुतियों पर भरोसा करें तो ये दावा अमान्य होगा, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि कोई भी सम्राट अभिलेखों में असत्य नहीं लिखेगा। सम्राट खारवेल के अभिलेख में मुझे सबसे अच्छी बात लगी लोक निर्माण के कार्यों पर उनकी गहरी रुचि, और यह भी अच्छा लगा कि उन्होंने एक बड़े कला महोत्सव का आयोजन किया। अभिलेख पढ़कर मैंने निर्णय लिया था कि सत्ता यदि मेरे हाथों में आई तो निश्चय ही अपने प्रतिभाशाली पूर्वज प्रवरसेन के नाम पर कला महोत्सव आरंभ करूंगा। आप सभी से इसके लिए सुझाव आमंत्रित है, संधि विग्रहक ने कहा। सम्राट, इसके लिए हमें देश भर से महाराजाओं को आमंत्रित करना होगा। इससे न केवल महोत्सव की प्रतिष्ठा बढ़ेगी अपितु अपनी शक्ति और वैभव दिखाने का उचित अवसर भी मिल सकेगा, ताकि कोई भी शत्रु देश वाकाटक साम्राज्य पर आंखें तरेने का साहस भी न कर सके। महामंत्री ने आपत्ति की। संधि विग्रहक ठीक कहते हैं, लेकिन कला महोत्सव में शक्ति अथवा वैभव का प्रदर्शन करना मुझे उचित नहीं लगता। हम भले ही अपने शत्रुओं को आक्रांत कर लें, लेकिन महोत्सव का वास्तविक उद्देश्य इससे भटक जाएगा और मेहमानों को भी यह संदेश जाएगा कि यह आमंत्रण स्नेहिल नहीं था अपितु इसके बहाने उनके लिए शक्ति प्रदर्शन का था, सम्राट ने कहा। महामंत्री, इस संबंध में मैं संधि विग्रह के मत से सहमत हूं। हम उन्हें शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन वैभव का प्रदर्शन हमें जरूर करना होगा। याद रखिए, आप ही कहते हैं कि अर्थ ही साम्राज्य का मूल आधार है, महाअक्ष पटलिक ने कहा। वैभव के प्रदर्शन में हमें सावधानी बरतनी होगी। हमें अपनी प्रजा की ओर भी ध्यान देना होगा जो करों के बोझ से ग्रस्त है। हमारे अपार वैभव को देखकर प्रजा के भीतर साम्राज्य के प्रति वितृष्णा की भावना पैदा हो सकती है, सम्राट ने कहा। इस पक्ष को अब तक मैंने गंभीरता से नहीं लिया था। किसी साम्राज्य का वैभव केवल धन या प्रदर्शन से ही नहीं दिखता, कार्य संचालन की उसकी पद्धति से भी दिखता है। हम महोत्सव के कार्यक्रमों को इतनी सुंदरता से तैयार करेंगे कि हमारे प्रबंधन की कार्य कुशलता इससे लक्षित होगी, महाप्रतिहार ने कहा। महोत्सव में विशिष्ट क्या होगा, इस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। यदि हम उज्जैनी में होने वाले कालिदास महोत्सव की तरह ही अपने कार्यक्रम को भी तैयार करेंगे तो कभी भी प्रवरसेन महोत्सव को विशिष्ट पहचान नहीं मिल सकेगी, सम्राट ने कहा। अवश्य, लेकिन यह विशिष्ट क्या हो सकता है यह भी बताइए, महाप्रतिहार ने कहा। दक्षिण पूर्वी सागर द्वीपों से जो व्यापारी आते हैं वे अपने यहाँ प्रचलित रामायण और महाभारत की कथाओं को बहुत सुंदर ढंग से नृत्य नाटिकाओं के माध्यम से दिखाते हैं। बाली द्वीप का एक दल अभी यहाँ आया हुआ है और नगर में इसके कार्यक्रम भी हो रहे हैं। नागरिक इनमें रुचि ले रहे हैं, लेकिन भाषा की दिक्कत की वजह से पूरा आनंद नहीं उठा पा रहे। हम इनके कार्यक्रमों की प्रस्तुति महोत्सव में कर सकते हैं और अनुवादक साथ साथ ही जनता को इसका अनुवाद भी बताते रहेंगे। ये बेहद खास कार्यक्रम होगा, ध्रुवाधिकरण ने कहा। हमारी लोक कला भी बहुत समृद्ध रही है। हम राष्ट्रीय प्रजाति में प्रचलित नाट्य का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इससे हमारे लोक कलाकारों को आर्थिक रूप से मदद भी मिल सकेगी, संधि विग्रहक ने कहा। महोत्सव में विशिष्ट अतिथि हिस्सा लेंगे, ऐसे में ललित कलाओं का प्रदर्शन उचित होगा, ना कि देहात की कलाओं का, सम्राट ने कहा। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। लोक कला किसी भी मायने में पीछे नहीं है, जबकि मुझे तो यह ज्यादा सुंदर लगती है क्योंकि इनका सौंदर्य अनगढ़ है।
सभ्य समाज में प्रस्तुत की जाने वाली कला अत्यंत सोच विचार के बाद प्रस्तुत की जाती है और अपनी मौलिकता खो देती है। आप सोचिए, अमृता देवी के वीणा का राग सुनाइए और काशीबाई की तुरही सुना दीजिए। अधिक लोग तुरही सुनने ही आएंगे। दूसरे राज्यों से आ रहे हमारे अतिथि महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमारी प्रजा की रुचि हमेशा सर्वोपरि रहेगी। महामंत्री ने कहा, सम्राट, संधि विग्रह की बातों से मैं असहमत हूँ और लोक कला को अवश्य जगह मिलनी चाहिए। फिर भी संधि विग्रह की बात भी गहरी है। महोत्सव में स्तरीय चीजें होनी चाहिए। ये हो सकता है हमें गंभीर विषयों को भी अवश्य शामिल करना चाहिए। महाअक्ष पटलिक ने कहा, काव्य शास्त्र की बारीकियों पर चर्चा रख सकते हैं। ध्रुवा अधिकरण ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ सबसे विद्वान महामंत्री ही हैं, लेकिन काव्य शास्त्र पर विद्वानों की चर्चा के दौरान मैंने उन्हें भी झपकी लेते हुए देखा है। महामंत्री ने कहा, कालिदास के योगदान पर चर्चा रख सकते हैं पक्ष और प्रतिपक्ष में। हमारी राजकुमारी और मगध के युवराज परिणय सूत्र में बनने वाले हैं और दोनों ही कालिदास के लेखन में गहरी रुचि रखते हैं। उन्हें ही पक्ष और प्रतिपक्ष में रख सकते हैं। सम्राट ने कहा, अच्छी बात है, इन्हें देखने तो भीड़ भी उमड़ पड़ेगी। महाबलाधिकृत ने मुस्कुराते हुए महाप्रतिहार की ओर इशारा करते हुए कहा, फिर तो महाप्रतिहार का कार्य भी काफी बढ़ जाएगा। सम्राट ने कहा, ये सब तो ठीक है, लोगों का हृदय जीतने के लिए सुस्वादु भोजन जरूरी होता है। चपाती क्या देखेंगे कि भारत के हर कोने में खाए जाने वाले विविध तरह के पकवान व्यंजन सूची में शामिल हो। इसकी सूची मुझे 2 दिनों में उपलब्ध कराएंगे। प्रवरसेन महोत्सव के अवसर पर वत्सगुल्म शहर की वीथियां भी सज गईं। गणमान्य अतिथियों के स्वागत में नगर की दीवारें भी चित्रों से सजाई गई। इसके लिए अजंता का कार्य भी 1 सप्ताह तक रोक दिया गया। फूलों की लड़ियों और बंधनवार तथा दीयों से पूरा नगर दुल्हन की तरह सजा था। राजकुमार ब्रह्मगुप्त अपने अनुज गणपति गुप्त के साथ महोत्सव में भाग लेने नगर पहुंचे। नगर के द्वार में उनके स्वागत में नगाड़ा नहीं था, अपितु वीणा की धुन बजाई जा रही थी। यह सुखद संयोग युवराज को बहुत अच्छा लगा। युवराज को अतिथि गृह में ठहराया गया। युवराज ने अपने अनुज गणपति को राजकुमारी के पास फूल और संदेश लेकर भेजा। परिचारिका ने राजकुमारी को संदेश दिया, राजकुमार ब्रह्मगुप्त राजधानी पहुंच चुके हैं और अपना संदेश अनुज गणपति के माध्यम से भेजा है, आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें अंदर भेजिए, राजकुमारी ने कहा। गणपति ने अंदर आकर राजकुमारी का अभिवादन किया और सूक्ष्म दृष्टि से राजकुमारी के कक्ष को देखा। सुंदर भित्ति चित्रों से राजकुमारी का कक्ष सजा था। राजकुमारी ने कहा, आप कैसे हैं आर्य गणपति? गणपति ने कहा, आपके लिए यह कितना आसान है ना, आर्य कह देना। मैं दुविधा में हूँ, आपको भाभी कहूँ या अन्य किसी तरह से संबोधित करूँ? राजकुमारी ने कहा, आप मुझे मेरे नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। गणपति ने कहा, नहीं, आप तो मुझे पाप का भागी बना देंगी। राजकुमारी ने कहा, किंचित नहीं, ऐसा क्यों सोचते हैं? नाम लेने से हम आपस में मित्र बन जाते हैं और मित्रता का रिश्ता तो सबसे गहरा होता है ना? गणपति ने कहा, मित्रों की रुचि भी समान होनी चाहिए। आप तो ललित कलाओं में गहरी रुचि रखती हैं और मेरा जीवन कला से शून्य है। राजकुमारी ने कहा, ये तो झूठ है, आपने मुझसे बातें शुरू करने से पहले देर तक मेरे कक्ष को निहारा। कोई भी सामान्य व्यक्ति देर तक इन कलाकृतियों को नहीं निहार सकता। गणपति ने कहा, मतलब रुचि रखता हूँ लेकिन इसका कौशल नहीं है। मसलन वीणा सुनना अच्छा लगता है, बजा नहीं सकता, गाता तो बेसुरा हूँ। राजकुमारी ने कहा, कोई बात नहीं, मित्र को 1 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा ललित कलाओं का। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा। गणपति ने कहा, और क्या छात्रवृत्ति भी मिलेगी? राजकुमारी ने कहा, दुस्साहस के आपका अतिरिक्त गुण है। राजकुमारी ने खिलखिलाते हुए कहा। गणपति ने कहा, नहीं नहीं, चलिए बिना छात्रवृत्ति के ही काम चला लूंगा। अब मुझे अनुमति दीजिए, मेरा आपसे मिलने का मनोरथ सफल हुआ। राजकुमारी ने कहा, किस तरह का मनोरथ? गणपति ने कहा, अरे बस यूं ही,
ऐसी ही एक शंका दूर करनी थी, अब जो दूर हो चुकी है। राजकुमारी ने कहा, मित्र आपस में भेद नहीं रखते, बताइए। गणपति ने कहा, भैया वीणा बहुत अच्छी बजाते हैं। उन्हें लगता था कि कोई ऐसी जीवन साथी मिले जो उनके वीणा के सुरों के साथ सुंदर गायन भी कर सके। आपसे मिलकर वे इतना मोहाविष्ट हुए कि आपके गायन के संबंध में पूछना ही भूल गए। मेरे यहाँ आने का उद्देश्य आपकी इस विद्या की थाह लेना था। मैं गुपचुप यह सब रखना चाहता था, लेकिन आपने मुझे मित्रता के बंधन में बांध दिया और मुझे इसे व्यक्त करना पड़ा। राजकुमारी ने कहा, तो तुम कैसे इस समाधान तक पहुँचे कि मैं गायन में कुशल हूँ? गणपति ने कहा, आपकी आवाज बहुत मीठी है उससे। राजकुमारी ने कहा, ऐसा थोड़ी होता है। गणपति ने कहा, मेरा मन ऐसा कहता है और उस पर मैं विश्वास करता हूँ। राजकुमारी ने कहा, मैं गीत सुना देती हूँ और अपना निर्णय तुम ले लेना। गणपति ने कहा, अवश्य। फिर राजकुमारी ने वीणा अपने हाथों में ली और गायन आरंभ किया। गणपति देर तक मंत्रमुग्ध सुनता रहा। आखिर में गणपति ने कहा, अब भैया के वत्सगुण तक पहुंचने का कारण मैं समझ सका हूँ। उन्हें तो संगीत का खजाना मिल गया है। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा। गणपति ने कहा, एक बात बताऊं, मैं भैया का वीणा वादन सुनता था। मुझे भी आशंका थी कि कहीं इन गुणों के विपरीत कोई जीवन साथी उन्हें न मिल जाए और मजबूरी में वे रिश्ते का निर्वाह करते रहें। राजकुमारी ने कहा, बेमेल जोड़ों पर वो सुभाषित श्लोक मुझे खूब लगता है, उष्टानाम च विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्धबा परस्परम प्रशंसति अहो रूपम अहो ध्वनि। ऊंट की शादी में गधा गीत गा रहा है। गधा ऊंट से कह रहा है, आपका रूप सुंदर है। ऊंट गधे से कह रहा है, आपकी आवाज सुंदर है।